पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने कोट रूपी घटना स्थल का दौरा कर प्रशासन द्वारा शुरू किए गए राहत कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कोट रूपी त्रास्ती में प्रभावित रवा कोट रूपी बडवाहन रोपा और पदलाणी गांव के ग्रामीणों से मुलाकात कर समस्याएं भी सुनी। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि गत वर्ष 12 अगस्त की रात्रि को हुए इस भीषण त्रास्ती में 48 बेकसूर लोग काल का ग्रास बने थे। एचआरटीसी की 2 बसों सहित आधा दर्जन रियासी मकान, 2 दुकानें और कई बीघा उपजाऊ जमीन तबाह हो गई थी। इसी दौरान पूर्व कांग्रेस सरकार में बतौर राजस्व मंत्री प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और घर निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी। वहीं घटनास्थल पर रेस्टोरेशन वर्क के लिए बजट उपायुक्त मंडी द्वारा दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 1 साल का अरसा बीत जाने पर भी प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। कुछ प्रभावित परिवार आज भी सरकारी आवास में 1 कमरे में परिवार सहित ठहर रहे हैं, जबकि 3 परिवार सदस्य ज्यादा होने के कारण पधर में किराए के मकान लेकर गुजारा कर रहे हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्री मानसून में पहाड़ी के साथ की गई छेड़छाड़ खतरनाक साबित हुई है, जिससे पदलाणी गांव खतरे की जद में आया है। इस साल बरसात में फिर गत वर्ष की तरह हालात पैदा हो गए हैं। नेशनल हाईवे 2 सप्ताह से ठप है, आम जनता परेशान हो रही है, जबकि पदलाणी गांव में घटनास्थल का मलबा जाने से पुल, घराट, सिंचाई कुल्हे, पक्का रास्ता और उपजाऊ जमीन फिर बाढ़ की चपेट में आई है। इससे ग्रामीणों को खासा नुकसान हुआ है। स्थानीय लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। गत वर्ष भीषण त्रासदी के बावजूद एनएच सप्ताह के भीतर बहाल कर दिया गया था, लेकिन इस बार हालात कुछ और हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे के बंद होने से घटा सनी, झिटिकरी, गोगरधार तथा पदर, नोहली, जोगिंदरनगर सड़क की हालत भी दयनीय हो गई है। यहां दोनों मार्ग कभी भी बंद हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन को एनएच को तुरंत प्रभाव से बहाल करने के कदम उठाने चाहिए। इस दौरान कोट रोपी गांव निवासी प्रभावित रामकली, श्यामकली, कमला देवी, दुनी चंद आदि ग्रामीणों ने उनके समक्ष हाल ही बरसात में हुए बारिश से हो रहे नुकसान का दुखड़ा भी सुनाया। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रभावित ग्रामीणों की समस्या को वे शीघ्र ही लिखित व मौखिक रूप से मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री से शीघ्र कोट रोपी घटनास्थल का दौरा करने का आग्रह भी किया जाएगा, जिससे मौके पर प्रभावितों की समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधिकारियों से बातचीत कर एनएच को शीघ्र बहाल करने की वकालत भी की। वहीं एसडीएम पधर आशीष शर्मा से भी फोन पर बातचीत कर प्रभावितों की मदद करने का आग्रह किया। हादसा जो पिछले साल हुआ था, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी, अब की बार फिर यहाँ भारी नुकसान हुआ है, उसको देखने के लिए व्यक्तिगत तौर पर आया। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको मॉनसून शुरू होने से पहले जो पीडब्ल्यूडी ने यहाँ जो खुदाई शुरू की है, वो एक बहुत बड़ी वजह रही है इस हादसे को ज़्यादा बढ़ाने की। हमने शुरू से ये कहा था कि जो पुरानी सड़क है, जो मेटल रोड है, जो दब गई है, उसको बहाल किया जाए। और एक आगे नाले में पुल था, पुल का जो पुला हिस्सा है वो तो बह गया था, लेकिन उसके बटमेंट जो है, मेरा ख्याल है वो वहाँ इंटैक्ट है, उस पर दोबारा पुल बनाया जाए। और सारा जो पानी ऊपर का पानी जो है उसको डाइवर्ट करके उस पुल के नीचे से जो है उस पानी को गुजारें, तभी मतलब यहाँ इसका समुचित इलाज हो सकता है। 15 गाँव तक को हमने सड़क से जोड़ा था, लेकिन इस हादसे की वजह से वो बड़ा नुकसान हुआ है। सड़क खत्म हो गई है, पुल वहाँ खत्म हो गया, लोगों के घराट खत्म हो गए, लोगों की ज़मीनें जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। मैंने उस वक्त भी राजस्व मंत्री के नाते कहा था कि उनको जो है इसके बदले में सरकारी ज़मीन जो है उपलब्ध कराई जाए। मैं प्रशासन से चाहूँगा, मैंने एसडीएम साहब से अभी बात की है उस बारे में, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूँगा, जिनके पास राजस्व विभाग भी है, उनसे भी बात करूंगा कि जो लोगों यहाँ के लोगों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान किया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है जैसे मौसम ठीक होगा तो ये पुरानी सड़क जो है उसको बहाल करेंगे।